यूक्रेन रूस के बीच जंग महाविनाशक रूप ले रही है। यूक्रेन और अमेरिका की रणनीति में बदलाव यह है कि यूक्रेन के शहरों को वॉर सेंटर बनने से रोकने के लिए रशियन टेरिटरी क्रीमिया को टारगेट किया जाए। यही वजह है कि रूस ने भी अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है और यह बदलाव न्यूक्लियर विनाश की आशंका से दहला रहा है। आखिर जंग कैसे क्रीमिया पर शिफ्ट हो गई और रूस इस वॉर सेंटर से दुश्मनों का फोकस कैसे हटाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। एटमी विनाश का सायरन, क्रीमिया में निर्णायक रण। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। अटैक पर रजामंद यूएस, सब होगा तहस नहस। हथियारों का जखीरा रवाना हो चुका है। युद्ध के पथ पर आगे बढ़ने के लिए यूक्रेन को वो ताकत मिल गई है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। ये आर्मर डिप्लॉयमेंट अमेरिका से निकलकर यूक्रेन की जमीन पर उतरेगा, लेकिन इस बार इन हथियारों का मकसद अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं बल्कि अटैक होगा। रूसी सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि उस जगह पर जिसे वॉर जोन बनाकर वॉर को शिफ्ट कर दिया गया है। वो बैटल ग्राउंड है क्रीमिया, यानी वो ठिकाना जिसे 2014 में रूस ने यूक्रेन से हासिल किया था, वहीं अब तबाही का बवंडर उठने वाला है जिसका सबूत है अमेरिका से भेजे जा रहे घातक हथियार, वो भी ऐसे जो क्रीमिया की वापसी के लिए रूसी सेना को निशाना बनाएंगे। तो क्या यूएस ने रूस के मोर्चे पर पॉलिसी बदल दी? क्या यूएस से रूस पर अटैक के लिए हरी झंडी मिल गई, या फिर क्या क्रीमिया पर यूक्रेन को यूएस का साथ मिला? बदले हुए हालातों में इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन खुले तौर पर अगर अमेरिका रूस पर अटैक की बात स्वीकार करेगा तो विनाश निश्चित है। इसलिए यूएस के पास सिर्फ पॉलिसी में कुछ बदलावों पर हामी भरने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है और ये स्वीकार किया गया है। Crimea is Ukraine. We are, of course, not making targeting decisions on behalf of our Ukrainian partners. These decisions are up to them. But as you know, United States and countries around the world have never recognized Russia's purported annexation of parts of eastern Ukraine or its purported annexation of Crimea. Crimea is Ukraine. That is not going to change. लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से साफ हुआ कि अब टारगेट क्रीमिया है जिसमें यूक्रेन को हर तरह की मदद मिलेगी, वैसे ही रूस में भी हलचल बढ़ गई। भविष्य की प्लानिंग का खुलकर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो प्रतिक्रिया दी गई है वो एक दायरे में सीमित रहकर भी विनाशकारी है। वॉशिंगटन में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोफ के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने क्रीमिया को यूक्रेन बताया है, जहां यूक्रेन की सेना अपनी रक्षा के लिए अमेरिकी हथियार इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये कार्रवाई रूस के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए कीव पर दबाव डालना है। याद रहे, संघर्ष बढ़ने से सिर्फ जोखिम बढ़ेगा।
और ये दुनिया को पता है कि जोखिम बढ़ने का सीधा मतलब बारूदी बवंडर में न्यूक्लियर विनाश का वक्त करीब आना है। लेकिन ना तो इससे अमेरिका पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही कीव पर किसी तरह का डर दिख रहा है। नतीजतन ज़ेलेंस्की ने भी रूस की चेतावनी को स्वीकार किया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को हथियार देते हैं तो क्रीमिया वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक इरादा नहीं है बल्कि हमारी जमीन को वापस हासिल करने का लक्ष्य है। क्रीमिया हमारी जमीन है, हमारा क्षेत्र है। मतलब ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि अब टारगेट रशियन फोर्स के ठिकाने नहीं है, ना ही बचाव के लिए हथियारों का इस्तेमाल है, बल्कि मिन्स्क समझौते को पूरी तरह नकार कर क्रीमिया को टारगेट किया जाएगा। तो क्या रूस एक कमजोर पड़े मुल्क की तरह देखता रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, रूस विनाश का बवंडर लाएगा। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन क्रीमिया को जंग की रेड लाइन बता चुके हैं। इसके अलावा रूस ने न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल से भी परहेज ना होने का ऐलान कर दिया है। क्रीमिया को अपनी टेरिटरी मानने वाला रूस जंग में यूएस की एंट्री महसूस कर रहा है, और अगर यूक्रेनी सेना अमेरिकी हथियारों के साथ क्रीमिया में दाखिल होती है तो रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यानी रूस के पास भले ही हथियारों की कमी ना हो, सेना की कमी ना हो, तब भी क्रीमिया में अमेरिका का दखल रूस को बर्दाश्त नहीं है। इसे फिजिकली जताने के लिए रूस ने क्रीमिया में ही सबसे बड़ा बैंक खोलने का फैसला किया है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के ऐलान के बाद जैसे ही मामला बिगड़ा, पुतिन के ऑर्डर पर क्रीमिया को अभेद्य किला बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन बचाव का प्लान रणनीतिक है। पुतिन के नए वॉर लीडर जनरल वैलरी गेरासिमोव के प्लान के तहत यूक्रेन के खिलाफ एक्शन में रूस अब तीन मोर्चों से अटैक करेगा। पहला मोर्चा ब्लैक सी होगा, जहां क्रीमिया की सुरक्षा का बैकअप होगा। इसके अलावा रूस दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को कमजोर करने के लिए बाखमुत और खार्किव की सीमा से भी आगे बढ़ेगा। वहीं तीसरा मोर्चा खुलेगा बेलारूस से, जिसका टारगेट लुत्स्क और लवीव होगा। यानी यूक्रेन को क्रीमिया तक अटैक करने वाले हथियार नेटो देता है, तब भी कीव के लिए अपने पूर्वी और पश्चिमी हिस्से का बचाव मुश्किल हो जाएगा। जबकि यूक्रेन के बाकी हिस्सों में खलबली मचाने के लिए 7 लाख रशियन सैनिक घुसपैठ भी कर सकते हैं। हालांकि ये कीव से जारी चेतावनी है, लेकिन रूस की तैयारी को देखते हुए इस चेतावनी को सच के करीब माना जा सकता है। और रूस की इस तैयारी के पीछे का कारण क्या है, इसे भी समझ लीजिए। कारण है अमेरिका के हथियार। अमेरिका अब यूक्रेन को ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डिजास्टर बम यानी GLSDB देने जा रहा है। दावे के तहत अमेरिका के गाइडेड बम 150 किलोमीटर रेंज तक जमीन का कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। हालांकि मौजूदा हाईमार्स से भी 92 किलोमीटर रेंज तक कब्जा मुक्त कराने का दावा है। यानी अमेरिका का एक हथियार क्रीमिया पर अटैक के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, और इसके लिए बाकायदा एक नक्शा जारी करके स्थिति साफ करने की कोशिश की गई। इस नक्शे के जरिए बताया गया है कि GLSDB के जरिए क्रीमिया का 30.7% और 81.9% रूस के कब्जे वाले पूर्वी हिस्से को आजाद कराया जा सकता है। लेकिन इसका जवाब रूस की तरफ से आ चुका है। जवाब है भविष्य में न्यूक्लियर विध्वंस, महातबाही जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।